लगा है, ये आप फ्रंट से देख सकते हैं, ये बी पिलर्स पे लगे वाला तो बहुत ही चलता है, फर्स्ट वाला भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, जब एसी वर्क कर रहा होता है तब तो बिल्कुल आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो ब्लैक वायर और दो रेड वायर। हम इसमें जो स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको, रेगुलेटर को हमें अटैच करना है। और ये फैन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो होगा हमारा कैसे हम कार में 12 वोल्ट के फैन लगाएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने रियर एसी वेंट बनाया था बैकसीट के लिए, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। उसमें हमने जो एसी वेंट्स होते हैं फ्रंट वाले डैश से पाइप लगा के पीछे, हमने रेयर एसी वेंट बनाया था। आज के उसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आज के में सिर्फ हमें चाहिए 12 वोल्ट फैन, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उसमें मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आप अपने कार एसेसरीज वाले पे जाके ले सकते हैं। और किसी से आज का वीडियो बनाएंगे, मेरा नाम है ओम, आप देख रहे हैं फिक्स इट सेटिंग। फ्रेंड्स, ये हैं वो 12 वोल्ट फैन जो आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी कार एसेसरीज वाले पे मिल जाएंगे। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये इंस्टॉल किया है कार रूफ पे, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। आज मैं इसको कार रूफ से हटा के दोनों जो बी पिलर्स हैं अपने उन पे लगाने वाला हूँ। मकसद यही है कि जो हमारी एसी कार ठंडा करती है वो कूलिंग जो है वो फास्टर हो जाए, तो उसके लिए यही है। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक मीडियम स्पीड का, फुल स्पीड का। ये जैसे आप देख रहे हैं मैंने कार रूफ काटी हुई है, ये हेडलाइनर, इसी में यहाँ पे मैंने इसको पहले लगाया हुआ था और इसको मैंने पूरा कवर किया हुआ था, जो अपना ये लेदरेट मटेरियल होता है सिंथेटिक वाला, उससे मैंने कवर किया था, तो पता चलता नहीं था कि ये कटी हुई है। अभी भी मैं इसको कवर करूँगा यही अपना सिंथेटिक लेदरेट मटेरियल से, जिससे पता नहीं चलेगा कि रूफ कटी हुई है। ये बी पिलर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं बी पिलर्स पे हम ये जो फैन है इसको लगाएंगे। बट कंडीशन ये है कि भाई फ़ैन तो दो जुड़े हुए हैं ये, तो ये अलग अलग कैसे लगाएंगे? तो इसीलिए हम इन फैंस को जो दो एक ही उसमें हैं जुड़े हुए, इनको मैं कट करने वाला हूँ। और उस कटिंग के लिए मुझे पहले ये ओपन करने पड़ेंगे, तो उससे हमें पता भी चल जाएगा इसका जो फास्ट जो स्लो वो है, स्पीड का जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है और उसको हम कैसे निकाल के अलग से अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं उसको स्क्रूज अनटाइट कर रहा हूँ। तो जो व्यूवर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हेल्प करें। ये आप देख सकते हैं हमने इसको खोल दिया है और इसका जो स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म है वो हम देख सकते हैं, उसमें रजिस्टर्स लगे हुए हैं और बेसिकली स्पीड कंट्रोल में यही होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो ब्लैक वायर और दो रेड वायर्स दोनों मोटर से आ रहे हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्क करती हैं। इन्हीं को हम काट लेंगे और इस मैकेनिज्म को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और तब हम इसको दो पीसेस में काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, जिससे ये फैंस अलग अलग हो जाए। और अब मैं वही कर रहा हूँ, ये इसको हमने रिमूव कर लिया नीचे से क्योंकि हम इसको निकालेंगे। वैसे ये सिंगल फैंस भी आते हैं छोटे छोटे, जैसे दो इसमें अटैच है ना, ये सिंगल भी आते हैं, तो वो अगर आपको सिंगल मिले, मैं लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको सिंगल मिले तो आप सिंगल वाले ले सकते हैं। और इसको अगर आप करना चाहते हैं DIY तो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। अब ये रेड वायर्स दोनों में अलग काट लूँगा, ये ब्लैक वायर दोनों में अलग काट लूँगा और बाद में हम इसको ये स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म में बाद में अटैच कर देंगे। और स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म को मैं रूफ पे इंस्टॉल करूँगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ रूफ के अलावा मैं उसको जो अपना गेयर बॉक्स कंट्रोल होता है वहाँ पे, जहाँ बॉटल रखने का था, जिस पे मैंने पहले अपना एसी वेंट बनाया था, वहाँ पे भी मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप मुझे इसमें कमेंट करके बताएं। ये अब मैं कट कर रहा हूँ, आप इसको मशीन से भी कट कर सकते हैं, मुझे इतना इजी लगा वैसे कि मैं इसको अपने नॉर्मल सॉ ब्लेड से भी कट कर सकता हूँ, तो मैं इसको वही कर रहा हूँ। ईजीली कट हो जाएगा ये और इसको मैं दो पीसीस में करके दोनों पिलर्स पे इंस्टॉल कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं ये इजीली कट हो गया है दो पीसीस में। बस अब हम इसमें जो स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको, रेगुलेटर को हमें अटैच करना है और ये फैन वर्किंग हुए। इन फैंस की खास बात ये छोटे कॉम्पैक्ट साइज हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है।
और आप जब खुद देखेंगे आपको खुद भी पता चल जाएगा। ये स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया है और मेन जो अपना सिगरेट लाइटर पोर्ट है उसी से मैंने वायर लेके करंट उस पे से मैं दे रहा हूँ। ये दोनों पिलर्स पे मैंने अटैच कर दिए हैं और जो सिगरेट कंट्रोल सिगरेट लाइटर पोर्ट है वहाँ से मैंने वायर ले लिए जो मैंने हेडलाइनर के अंदर से लिए और इसमें मैंने अटैच कर लिए। और ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं रेगुलेटर नॉब को हिलाता हूँ तो ये वर्क करता है। और ये इसकी अभी फर्स्ट वाली स्पीड है, दो स्पीड इसमें मॉड्यूल दिए हुए हैं जो बहुत, सेकंड वाला तो बहुत ही चलता है, फर्स्ट वाला भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, जब एसी वर्क कर रहा होता है तब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एसी वेंट्स पीछे लग गए हैं क्योंकि ये आगे से ही वैक्यूम बना देता है और एसी की हवा पीछे आनी शुरू हो जाती है। ये वो जो मैंने बताया था लेदरेट मटेरियल, सिंथेटिक लेदर जिसे कहते हैं। मुझे बीज कलर का नहीं मिला, जो हेडलाइनर जिस कलर का है कार्डबोर्ड से बनाया है, तो आगे इन फ्यूचर मैं इसको बीज कलर में ही कन्वर्ट कर दूंगा। जो आप आगे देख सकते हैं मैंने हेड अपना जो स्कूप बनाया हुआ है जिसके आगे मैं अपना एयर का प्रेशर कंट्रोल कर पाता हूँ, जैसे गाड़ी धूप में खड़ी रहती है तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ वहाँ से। वो भी मुझे बस बीज कलर में नहीं मिला था, तो ये ब्राउन कलर में लगे हुए हैं, डार्क ब्राउन कलर। इसको मैं बीज कलर में कर दूंगा और इस पे मैं मे बी शायद एक लाइट भी कनेक्ट कर दूँ बाद में, जो एक जो डोम लाइट होती है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि वायर इसमें बाहर पे आ रखी हैं, ये वायर इसको मैं अंदर कर सकता था बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं अंदर नहीं किए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको वायर्स को अंदर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और ये आप देख सकते हैं मैं पीछे डिक्की से दिखा रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी ही वीडियोस और भी आएंगी। हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें और कमेंट जरूर करके हमें जरूर बताएं कैसा ये आपको वीडियो लगा है। ये आप फ्रंट से देख सकते हैं ये बी पिलर्स पे लगे हुए हैं दोनों। और सबसे अच्छी बात है इनकी स्पीड अच्छी है और इनमें नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, जो घें घें आवाज़ आती वो भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है ओम, आप देख रहे थे जय हिंद जय भारत।